के नेशनल हाईवे, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है। बार बार हमने गवर्नमेंट से बात की थी, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी कि कम से कम हमारी इन गाड़ियों को 24 घंटा, ये पेरिशेबल आइटम है, बार बार हम इन पर स्टिकर भी लगाते हैं कि हमारी गाड़ी को ना रोका जाए, लेकिन बार बार ऐसा होता है। क्यों हमारे साथ ऐसा जुल्म हो जाता है? कहीं ऐसा ना हो कि ग्रोवर, ट्रेडर, बायर सारे लोग, क्योंकि 70% लोग जब इससे वाबस्ता है वो रास्तों पर आ जाएंगे, फिर ऐसे हालात ख़राब हो जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं। हाँ, मैं आपकी वसादत से एलजी साहब से अपील करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करूँ, इसको मुदाखलत करके इस मसले को हल किया जाए। नेशनल हाईवे को कम से कम हमारे ट्रकों, फ्रूट की गाड़ियों के लिए 24 घंटा खोल दिया जाए। साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्यों आपने यहाँ प्रोटेस्ट किया और क्यों बार बार ग्रोवर के साथ नाइंसाफ की जा रही है? अभी जो ये नेशनल हाईवे है, अगर आप देखें फ्रूट इंडस्ट्री के लिए ये सिर का दर्द बन गया। और दूसरी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है जानबूझ के हमारी फ्रूट बर्दार गाड़ियों को वहाँ पर रोकते हैं, क्योंकि 7, 8, 9, 10 तारीख की गाड़ियाँ बिल्कुल वहाँ पर खड़ी हैं, जबकि नेशनल हाईवे इस वक्त क्लियर है। सारी गाड़ियाँ जम्मू से श्रीनगर आ रही है और छोटी गाड़ियाँ श्रीनगर से जम्मू जा रही है। इन्होंने एक नई ट्रेंड चालू की है, जिस दिन कॉन्वॉय डे होता है उस दिन खाली ये 2 घंटे हमारे ट्रैफिक को रिलीज़ कर देते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 गाड़ियाँ हमारी जाती है और वो भी जाम में फंस जाती है। बाकी हज़ारों गाड़ियाँ दरमांदा होती है, क्योंकि वैली से हर दिन हज़ारों गाड़ियाँ निकल जाती है। जब ये 4 या 5 दिन ट्रैफिक रोकेंगे, दैट मीन्स कि 5,000 गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद ये ट्रैफिक कब क्लियर होगा? जब ये 2-2 घंटे ट्रैफिक को छोड़ेंगे तो ट्रैफिक कब क्लियर होगा? और ये गाड़ियाँ जब इकट्ठी जाती है मंडियों में, तो हमारा जो बायर जो पहले से ही नुकसान में है, जिसकी जो गाड़ियाँ दरमांदा हैं, 3-4 गाड़ियाँ इकट्ठी होकर मंडियों में घुस जाती है, उसके बाद पूरा रेट डाउन हो जाता है, क्योंकि मार्केट पहले से ही डाउन है। और जो ये एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है हमारे साथ, ये बहुत ही मतलब गलत है। और इस पे जो हम आज एहतजाज करने के लिए यहाँ पे आए, हमारी ये गुजारिश है अलजीत साहब से, जिस तरह उन्होंने अमरनाथ यात्रा में जो वो मसला बन के था सॉर्ट आउट किया, आज एक बार फिर बजाय खुद मुदाखलत करके इस मामले को सॉर्ट आउट करके और 24 घंटे हमारी माल बरदार गाड़ियों को थ्रू बांग्लादेश में माल जो पहुँचता है उसका बाद में वो माल सरा हुआ आता है, कंपनी गाली देता है और बहुत पूछता है तुम लोग उधर क्या कर रहा है, माल देख के कर रहा है लूटिंग ना नहीं देख के, लेकिन माल तो इधर ही चल रहा है। 4-5 दिन बाद में जो ना गाड़ी निकल रहा है, तो मेहरबानी करके हम लोग को टिकट बना के मत भेजिए, हम लोग को इधर रहने दीजिए, काम जैसे अच्छे से चल जाए और काम हो जाए, हम भी बचे और कश्मीर भी बचे। नेशनल हाईवे पे गाड़ी को ना रुके प्लीज, نس پہ ساروی پھڑن پھیرن تیل لگان 5-6 گھنٹہ دہس مزہ برو ترس بران آل اوور 12 ساس ڈبس یہ پہ مزور پہ اثر یہ پی سرس منڈی پہ وچس كتہ كر 50 ساس مزور اتم كر اس بن روڈ گو بند مال گو خراب سم وات كن تٹیشن گورمنٹ اپیل كہ ترین سا كانوے سارے تر نمہ تاریخ پہ گاڑی بند ہم ترین سا نمہ تاریخ پہ گاڑی بند یہ پہ پریت كس پہ اثر یہ مال گا خراب یہ بڑ بار فلم یہ A3 یہ امس تو روز گاڑی بند یہ منڈی مز امس كھت فرمت یل تمن رود مال بند یہ پہ ہر اكس پہ گروورس پہ باپرس پہ تو مزورس پہ پہ یہ اثر اہس تقریباً 30-35 گاڑی وتم